तेरे को ना आज छूटे से ना मन हो रहा है मारने का। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, जबरदस्ती है मुझे तुम्हारे पहले नहीं बच्चों की बाबू बाबू बोलने वाली बंदी है। वाईफाई सिर्फ तुम है मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं। झूठा इंसान। बहुत लेट लगा दी आने में। तेरे को ना आज छूटे से ना मन हो रहा है मारने का। तू ना ड्रामा बाज आदमी है, तू अपने पैसे कमाने के चक्कर में मेरा घर खराब कर दिया। तू वीडियो डाल के क्या साबित करना चाहता है? मेरी फैमिली मेरी घरवाली मुझे जो किया ना वही डाले थे। मैंने कुछ नहीं किया था। जब कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया मैंने, तो मैं फालतू का वीडियो डाल दिया। तूने फालतू का वीडियो डाला, उस घरवाली से इतना प्यार करता हूँ मैं, तो दो मिनट के लिए मैं उसको बुलाता था। घरवाली मेरी क्या कहते हैं मेरे से थोड़ा सा खफा थी, इसलिए मैं उसको बुला के उसे बातचीत करता था। तूने वीडियो डाल के मेरी सत्यानाश करवा के रखवा दिया। तू दो दो तूने मेरे घर को खराब करवा दिया। तू दो दो लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मैं किसी का जिंदगी नहीं, अपनी बीवी का और उस ऑफिस वाली लड़की का। मैं ऑफिस वाली लड़की का जिंदगी नहीं बर्बाद, मैं सिर्फ उससे बात करता था, मैं और कुछ भी नहीं करता। तो फिर उससे शादी क्यों किया था जब उससे बात ही करना था तेरे को? तो बात इसलिए करना था मुझे अपने घरवाली को, बता रहा हूँ मैं तेरे को। तूने मेरे घर को खराब करके रख दिया है। अच्छा, हम घर को खराब कर दिए? हाँ, तूने घर खराब किया है मेरा। तू जो कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उससे लड़की को धोखा दे रहा है, ठीक है ना? मैं सिर्फ उससे बातें करता था। मेरी बूढ़ी माँ घर में पड़ी है, मौत और उसके चक्कर में लड़ रही है वो। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। जिंदगी बर्बाद तू कर रहा है? तू मैं अपने वाइफ का अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, अच्छी खासी सैलरी है हमारी। आजकल मुझे नौकरी करने तक का मन नहीं हो रहा। तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, तूने वीडियो डाल दिया, आपने उससे घरवाली मेरी नफरत करने लगी है। तेरी घरवाली खुद बोली थी वीडियो डालने के लिए, इसलिए ऑफिस वाली लड़की भी मेरे से जो है नफरत करने लगी, सिर्फ उससे मैं बात करता। तेरे को दुख इस बात का कि उस ऑफिस वाली लड़की तेरे से नफरत कर रही है? तेरे को दुख इस बात का नहीं कि तेरी वाइफ तेरे को छोड़ के चली गई? वाइफ छोड़ के नहीं जाएगी, वाइफ का मेरी वाइफ को मैं मनाने की कोशिश करूंगा। वाइफ लेकिन तेरे साथ रहेगी नहीं। तू एक नंबर घटिया इंसान है। मैं कोई घटिया इंसान, घटिया इंसान नहीं है। तू जूता निकाल रहा हमारे ऊपर। तुमने घटिया इंसान वाला काम किया है। अच्छा, हम किए? तूने वीडियो डाल के अपने पैसे कमाने के चक्कर में जो है मेरे पहले अपने गंदे जुबान से उस वीडियो का नाम मत ले, ठीक है ना? तू गंदा इंसान है तो है। मैं नहीं हूँ गंदा इंसान, मैं सिर्फ उससे बात करता था, मैं कुछ नहीं करता था भाई। केवल उससे बात करता था? सिर्फ उससे बात। क्यों बात करे जब तेरी तू ऑलरेडी तू शादी शुदा है? मेरे को मेरे घरवाली को सबक सिखानी थी, क्योंकि वो मेरे को इज्जत नहीं करती थी घर में। तो तू इसके बारे में कभी अपने वाइफ को बताया था? वाइफ को सब कुछ पता है, वाइफ को बताया था मैंने। तेरे जो 36 आएंगे उसके पास, एक आईएएस ऑफिसर की बेटी है वो। आईएएस ऑफिसर की बेटी रहने से वाइफ हमारी है, मैं बहुत प्यार करता हूं। वाइफ थी है नहीं? अभी भी है। और नहीं, बहुत जल्द तेरे से तलाक लेगी वो। मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। कब तक भागोगे? नहीं, घर छोड़ के कब तक भागोगे? कब तक भागोगे घर से? भागूंगा, भाग रहा हूँ अभी। जब तक वो नाराज है तब तक भाग रहा हूँ। नाराज नहीं है, तुम्हारे साथ रहेगी नहीं वो? रहेगी, मैं उसको मनाऊंगा। किस सपने में जी रहे हो यार? सपने से बाहर निकलो। रहेगी, मैं उसको सपने से, सुनो ना, सपने से बाहर निकलो। सपने बाहर भी दुनिया है। बिल्कुल बाहर की दुनिया है भाई। जिस दुनिया में तुम जी रहे हो ना, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है तुमको। बिल्कुल, मेरी जिंदगी तो तूने बर्बाद कर दिया। तुम अपना जिंदगी तुम अपने हाथों से बर्बाद किए हो। तुमने बर्बाद? अरे हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। तुम जो कर रहे थे ना वही दिखाने की कोशिश किया। वीडियो डाल के तूने मेरी जिंदगी। अच्छा, वीडियो डाल के हम? हाँ, तुम जो कर रहे थे वही ना दिखाए। तुम उस लड़की के गोद में नहीं बैठी थी तुम? मैं उससे सिर्फ बात करता था, कोई गोद में नहीं बैठा। गोद इधर आप दिखा दे तेरे को वीडियो। गोद में नहीं बैठा था। अभी वो क्लिप सुना, वो क्लिप अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, वो डाल भी सकता हूँ। जो तेरा बचा हुआ थोड़ा बहुत इज्जत है ना, उसको नहीं होता समाज में ला सकते हम। तो बैठे यहाँ पे पहले, क्यों बुलाया था हमको? भाई देख, अब सबसे बड़ी बात, घरवाली हमारी जो है तलाक दे रही है। अच्छी तो बात है ना? नहीं, अब वो मुझे तलाक दे रही है, मैं उसको तलाक देना नहीं चाहता हूँ। मैं उससे प्यार बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जिंदगी में उसके सिवा कोई नहीं है, एक बूढ़ी माँ है घर में और बस। लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है ना,
तुम एक नंबर एक घटिया इंसान हो। नहीं हूँ भाई घटिया। तुम एक पति कहलाने के लायक नहीं हो। क्यों नहीं हूँ भाई? मैं एक बात बताओ घरवाली, तुम अपने पत्नी को धोखा दे रहे हो। भाई मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। तुमको पता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बिल्कुल। तुम अच्छे खासे पैसे भी कमाते हो। कमाता हूँ भाई। फिर भी अपने पत्नी को तुम धोखा दे रहे हो। भाई उसको धोखा नहीं दे रहा था, उसको सबक सिखाना चाहता था। वो मेरा घर में इज्जत नहीं करती थी, इसलिए मैं उसको सबक सिखाना चाहता था। मैं उसको धोखा नहीं, उससे ज्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करता हूँ। मेरे लाइफ में सिर्फ एक स्थान है तो पत्नी की है बस। अच्छा, बस एक स्थान है तो पत्नी की है? पत्नी की है। तो उस लड़की से बूढ़ी माँ है बस। सुनना भाई, तो उस लड़की से तू क्यों मिलने आता था? उस लड़की से सिर्फ बातचीत करता था भाई। बातचीत करना कोई गुनाह है क्या? बातचीत करना कोई गुनाह है क्या उससे? वो लड़की तेरे साथ रहना नहीं चाहती है, उससे तू फोन करे बात। तलाक? अभी तलाक नहीं दिया है ना? नहीं। तो बोल मैं तलाक देने के लिए बुला रहा हूँ। तू बुला उस लड़की को, ठीक है? उससे तू बात कर, देखो वो तेरे साथ रहना चाहती है कि नहीं। हमारे कुछ बोलने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है? यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैं अभी बुलाता हूँ उनको। तू बात कर पहले, पहले फोन रख। क्या मैंने घर में क्या कर दी थी वो तुम्हारे साथ? इज्जत नहीं करती थी भाई हमारे। तो इज्जत नहीं करती थी वो तो 24 घंटा बदतमीजी करती थी। मैंने इसी चक्कर में उसको जो है सबक सिखाने के लिए मैंने सिर्फ इस लड़की से बातचीत करना शुरू किया था, और कुछ भी नहीं थी मेरे भाई। तो उससे एक बात बता, जब तुम इस लड़की से बात करते थे तो इसके बारे में तुम्हारे पत्नी को पता था? नहीं। उसको तो फिर पता उसको नहीं क्या फर्क पड़ता तुम बात करो या ना करो? उसको ये बात का पता नहीं था। तो तुम एक बात बताओ, जब तुम बात करते थे उस लड़की से, उसको पता चलता तब ना उसको कुछ फर्क पड़ता? तुमने वीडियो डाल के सत्यानाश कर दिया ना। वीडियो? मैं तो वीडियो डाल के उसने भी देख एक लिया। बात बता, मैं वीडियो, मेरे से नफरत सुन, करने सुन, लगे। मैं वीडियो डाल के अच्छा किया, तेरे पत्नी को बता दिया ना, ये गलत किया ना भाई। तब तू क्या सही कर रहा था? तू अपने पत्नी को सबक सिखा रहा था। हाँ? तेरे बारे में उसको कुछ पते नहीं है कि तू क्या करता है? ऑफिस के नाम पे आके तू पार्क में बैठ कर लड़कियों के साथ बैठा रहता है। अब भाई उसको कौन सा सबक हुआ? सबक सिखाया जाता है उसको बता के। तो उसे तू पूछ अपने पत्नी से कि तू मेरे साथ रहना चाहती है कि नहीं। ठीक है, तू तो बता रहा था फोन में कि मेरे ऊपर FIR हो गया है। मैं FIR करवा दी है भाई मेरे ऊपर। उसने मेरे ऊपर FIR करवा दी है। तुम उसके साथ रहना चाहते हो? बिल्कुल रहना चाहता हूँ भाई। लेकिन वो रहना नहीं चाहती है भाई। उसको बुलाते हैं एक बार, मना के देखते हैं। वो रहना चाहती है कि नहीं तुम्हारे साथ में? अब वो तो शायद नहीं रहना चाहती है मेरे तो साथ। उससे तुम बात करो, वो क्या बोल रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। क्या कि कोई पत्नी जब अपने पति पे FIR कराती है ना, तो अपने अंदर से तुम्हारा नाम मिटा चुकी होती है। तो तुम्हारा नाम वो अपने अंदर से मिटा दी है। ठीक है भाई, तुम उसके लिए मर चुके हो। एक बार फोन करके बुलाते हैं। बुला लो, देख लो, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको भी समाज के सामने ला दो। माइक है, इसको छुपा के रखो। अब बुलाओ उसको। A few moments later. अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बताओ? बैठो। बैठ गई। क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे ऊपर FIR क्यों करवाए हो? मेरे को तलाक चाहिए। मुझे तलाक नहीं देनी है। क्यों नहीं देना? जब मेरे को तलाक लेना कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है। मुझे तलाक नहीं देना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। बट मेरे को जब नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे सिवा कोई और है ही नहीं मेरे जीवन में। मैं तुम्हें ही रखूंगा, मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। वो लड़की कहां गई? कोई लड़की नहीं, कोई लड़की नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं चिल्लाने की जरूरत है? जब तुम जब मैं नहीं दूंगा तलाक, मेरे को नहीं रहना फिर, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। तुमसे मैं प्यार करता हूँ। मैंने FIR कर दिया है, मेरे को तलाक चाहिए बस। मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे को क्या, मैंने तो FIR कर दिया है। मैं तलाक नहीं दूंगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमने वीडियो देख करके जो है मेरी वो कर दी सारी? और क्या, मुझे तो तुम्हारे बारे में एक चीज और पता चला, बट बताऊंगी नहीं अभी। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है। ऑफिस वाली भी जो है सिर्फ वो तुम्हारे चक्कर में मैंने ऑफिस वाली से बात करना शुरू किया था, क्योंकि तूने मेरे साथ, तुमने मेरे साथ घर में क्या करी थी? तू मेरा इज्जत करती थी, 24 घंटा मेरे से लड़ती रहती थी। अच्छा, और तुम क्या करे? मैंने इसीलिए ऑफिस वाली से सिर्फ मैंने बातचीत करा ऑफिस वाली के साथ, मैंने कुछ नहीं किया। गई हो जहाँ गई, मुझे मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी जिंदगी में तू है। नहीं, मैं तलाक दूंगा ही नहीं। अरे जा, मेरे को तेरे को चाहिए ही नहीं। मैं तुझे तलाक दूंगा नहीं। मुझे मेरे को चाहिए ना, तेरे कहने पे, तेरे कहने मैं दूंगा नहीं तलाक तेरे कहने पे।
हाँ मेरे कहने पे मैं तलाक दूंगा नहीं। तू नहीं देगा, मैं दे रही हूँ ना, मेरी चल रही है, मैं तलाक दे रही हूँ। मैं साइन करूंगा नहीं। मत कर, मैंने तो कर दिया ना, मेरे को चाहिए तलाक, मेरे को रहना ही नहीं तेरे साथ। मुझे रहना है ना, मान जा बाबू, बाबू मान जा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? कुछ नहीं है बाबू, तू सिर्फ तू है मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। कितने लोग ऐसे बकवास, कोई नहीं है। अरे जा, मान जा मेरी बात को, मान जा। क्या मान जाऊं? मेरे से जो गलती हुई, कितने दिनों से मेरे को पागल बनाते हुए आ रही हो। मैं तुम्हें कोई पागल नहीं बना रहा हूँ। नहीं रहना तेरे साथ, साफ सीधी बात है, मैंने FIR कर दिया। बाबू मुझे तुम्हारे पहले नहीं, बच्चों की बन गई बाबू, बाबू बोलने वाली। मैं तो बोलूंगा बाबू। क्यों बोलेगा? तुम्हें तो बोलेगा। हाँ बिल्कुल बोलूंगा, तू मेरी वाइफ है, तू मेरी वाइफ है, तेरे को बोलूंगा नहीं। वाह जी वाह, कितनी वाइफ है, एक दिन में 36 वाइफ बनती है। एक वाइफ है, सिर्फ तू है मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। झूठा इंसान, तुझ जैसे ना 36 आते झूठ बोलने वाले। ऐसा कोई नहीं है बाबू, कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, तू मान जा, तलाक मत दे। ये क्या बकचोदी है बाबू, बाबू बाबू ही बना, तू मेरी बाबू है तो बाबू नहीं कहूँ। अरे यार तुम शांत हो जाओ, मेरे को बस तलाक चाहिए, तुम पेपर पे साइन कर दो, साफ सीधी बात है। दे सकता तलाक? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मेरे को चाहिए। नहीं दे, मैं नहीं दे सकता तलाक तुझे। क्यों नहीं दे सकते? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना। अरे वो वाली लड़की कहाँ गई? ऑफिस वाली, उसने भी छोड़ दिया क्या? ऑफिस वाली गई अपने जगह पे। कहाँ अपने जगह पे चली गई? मुझे किसी से कोई लेना दे, मुझे तुमसे लेना देना। मैं तुम्हारे साथ, तेरे साथ ही रहना है मुझे। तू बोलता रहे, मेरे को रहना नहीं है। जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। तू यहाँ खाली पीली पिटने के काम कर रहा है, चला जाए यहाँ से तू। मैं नहीं जा रहा, और पिटना है। हाँ और पिटना है मुझे। भाई तू चला जाए यहाँ से, मेरे को नहीं रहना। अब मेरे को तलाक चाहिए। नहीं दूंगा तलाक तुझे। समझ नहीं आ रही क्या तेरी? नहीं आ रही है समझ मुझे, नहीं आ रही है मुझे समझ। पता नहीं क्या समझ रखा अपने आपको। मुझे नहीं आ रही समझ, मैं नहीं दूंगा तलाक। एक ही बात पे रटे हुए, और मैं लेके ही दूंगी। एक बात पे रटा हुआ, मैं दूंगा तलाक मैं तुझे। तुम होते कौन हो नहीं देने वाले? मैं तुम्हारा हस्बैंड होता हूँ। कहाँ के हस्बैंड? कैसा हस्बैंड? मैं नहीं जानती। अच्छा नहीं जानती? हाँ, नहीं जानती। इससे पहले क्यों, क्या अब तो फिर नहीं जानती तो फिर तलाक किस बात की? तो तलाक चाहिए ना, पहले था जो था, पहले था जो था, पहले था जो था। नहीं जानती तो तलाक। मैं इतनी बकचोदी नहीं कर सकती, मेरे को बस तलाक चाहिए। मैं नहीं दे रहा तलाक, मेरे को तलाक चाहिए। मुझे नहीं देना तलाक, मेरे को तो चाहिए बस। मुझे तो मेरे को रहने ही नहीं है, मुझे तेरे साथ जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है, मेरे को रहने ही नहीं है। यहाँ से चले जाओ, खाली पीली पिट पिट आ जाओगे। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। मेरे को भी गुस्सा तो मेरे को भी बहुत आ रही है। समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, पता नहीं क्या समझ रहा है। गुस्सा तो मुझे भी आता है, हाथ हमारा भी उठ सकता है, लेकिन मार, यहाँ तेरे सामने खड़ी हूँ, मार। नहीं उठा सकता ना मैं तुम्हारे ऊपर हाथ। मेरे को नहीं रहने, मेरे को तलाक चाहिए बस। मुझे तलाक देना नहीं है, मेरे को चाहिए तो चाहिए। नहीं दे रहा। एक बार को 10 बार नहीं बोल सकते? मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ बाबू। बाबू तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। यार ये बाबू, बाबू मत बोलो, मेरे को नहीं रहना। मुझे तुझे साथ ही रहना। बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं रहना। अच्छा एक बात बताओ, ये काजल कौन है जो पेट से है? कोई नहीं है। ये किसने बता दिया तुझे? कुछ पूछ रही है, कौन है वैसे काजल? कोई नहीं है। कोई क्या नहीं है जिसके आप बाप बनने वाले हो? अरे कोई नहीं है। तुम्हें ये किसने ये फालतू का बातें सब बता दिया? मेरे को बताया है किसी ने? नहीं। अरे यार कितना और झूठ बोलोगे, कितनी लड़कियों को फंसाओगे, गलत बोला है, के साथ क्या क्या करोगे? गलत बोला है किसी ने? अच्छा मतलब दुनिया में सब गलत है, तुम ठीक हो, है ना? किसने बोला? मैं भी यहाँ गलत खड़ी हूँ, मैं तुम्हें, पूरी दुनिया ही गलत है। किसी ने भी बोला हो, पर ये बात सच है? नहीं है सच, ये बात सच है। ये सब कुछ सच भी, सबूत दिखाओ। हाँ, सबूत भी है। हाँ, सबूत दिखाओ। ठीक है सबूत दिखाऊंगी। हाँ, दिखाओ। हाँ। दिखाओ सबूत, दिखाओ। उसके बाप बनने वाले हो ना आप तो? नहीं नहीं। क्या किसने बोला आपसे? मेरे को बस बताया। नहीं ये झूठ है यार, ये गलत है, ये फालतू की बातें मत करा करो। मतलब यार सब दुनिया में झूठ है और एक तुम सच्चे हो, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिखता है कौन झूठा है कौन नहीं है। ठीक है, मेरे को अब तलाक चाहिए। अब आप ऐसा करो, मान जाओ बात को, मेरे जिंदगी में कोई नहीं है, कोई ऑफिस वाली नहीं है, कोई किसी से कोई प्यार नहीं है, सिर्फ आप मेरी जिंदगी में हो और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। बातें तलाक चाहिए, मैं इतना और नहीं सह सकती, मेरे को भी बहुत काम है। नहीं बाबू,
ऐसा मत करो, आपके सिवा मेरे जिंदगी में कोई नहीं है। ये हाथ पैर मत जोड़, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, ऐसे मत करो। नहीं, मेरे को भी रहना ही नहीं है, ठीक है? मेरे को ऐसे तलाक मत करो, घर में एक बूढ़ी माँ है, कौन देखेगा? आप होना देखने वाले, आप होना ऑफिस वाली लड़की को बुला लेना, काजल को भी बुला लेना। किसी को नहीं बुला सकता, आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अरे काजल तो आ सकती है ना, काजल तो है ना। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, आपका पैर पड़ रहा हूँ, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। मान जाओ मेरी बात को। मेरे को मानना ही नहीं है, मेरे को रहना ही नहीं है। ऐसा था क्या मान रहा हूँ? जिद करके नहीं बैठ, जिद तो तुम कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा ना जिद। हाँ तो बस मैं जो बोल रही हूँ उस बात को समझो ना, मेरे को तलाक चाहिए। आप भी तो मेरी बात को समझो। मैं नहीं समझूंगी। आप भी तो मेरी बात को समझो। इतने दिनों से पागल बनती आ रही हो, अब मेरे को सारा बात पता चल रहा है। किसी कोई भी बात नहीं है, वो कोई कुछ नहीं था, मेरे को किसी से कोई मतलब तुम्हारी बातों पे रहूंगी मैं। जितना पूछा नहीं। अरे भैया ये बहुत बेकार इंसान, इससे बात करना बेकार है। एक बात बताइए, काजल कौन है? हाँ हाँ पूछो इनसे, काजल कौन है? काजल कौन है जो आपकी पत्नी है? नहीं है भाई, पेट में आपका बच्चा पल रहा है। अरे नहीं है यार, फिर काजल कौन है ना पूछ रहा है? तुम मेरे बीच में आकर के तुम मेरे परिवार को बिगाड़ रहे हो यार। अच्छा हम परिवार को बिगाड़ रहे हैं? तो काजल कौन है जो पेट से है? मैं नहीं जानता किसी काजल को। तो ये कैसे जानती आपकी बीवी? मेरे को नहीं पता, उसको गलतफहमी हो गई है। घर की उस टाइम भी मुझे ऑफिस वाली लड़की थी, उस टाइम भी मेरे को गलतफहमी थी, अभी भी काजल कौन है? ऑफिस वाली कोई भी आपके घर में काम करने वाली है कि कहीं ऑफिस वाली है? कोई नहीं है भाई, मेरे बाहर की है भाई, कोई नहीं है। कौन है वो काजल? कोई नहीं है भाई। इसको कैसे पता है? ये तो वैसे ही बोल रही है, वैसे मेरे को तो पागल कुत्ते ने काट रखा है। सच बोल दोगे ना तो जो तुम लोगों का तलाक का प्रक्रिया वो रुक जाएगा, नहीं होगा, हम प्रॉमिस करते हैं ना काजल से कुछ। अरे भैया ये बहुत बेकार इंसान है, झूठ बोलता है, मेरे को इसके साथ रहने नहीं है, तलाक चाहिए मेरे को, सब सीधी बात है। काजल कोई नहीं है तुम्हारा? कोई नहीं है भाई। कितना झूठ बोलोगे यार? कहां झूठ बोल रहा हूं भाई, इसको तुम झूठ बोल रही हो। आपको लगता है मैं झूठ बोलूंगी? उस टाइम काजल कौन है? तो इनकी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं कितनी लड़कियां घुमा दी है दिन में। कौन काजल है ना पूछ रहे हैं आपसे? अरे भैया कोई इनके पास झूठ बोल रही है, ये क्यों? पहली बात ना चिल्लाओ मत, ठीक है ना, वो सच बोल रहे हैं। ये झूठ क्यों बोलेगी आपसे? कोई ना पूछ रहे, झूठ क्यों बोलेगी? इसको क्या मिलेगा झूठ बोल के? अब पता नहीं क्या झूठ बोल रही है। आप इसके हस्बैंड हो यार? हस्बैंड के पास भैया अब नहीं है कोई हस्बैंड, अब कोई नहीं है। अरे जा, तलाक चाहिए मेरे को। करवाती करवाऊंगी, बोल क्या कर लेगा? तलाक लेती अगर वो वाइफ होती हमारी तो। ये तुमने ये एफआईआर क्यों? ये फालतू की। उस दिन आपने देखा था ना कैसे चल रहा था, मिटा दिया मैंने, मेरे को अब तलाक चाहिए बस। आप इसके लिए मर चुकी हो, जब आपके नाम का सिंदूर नहीं लगाती है, मंगल सूत्र नहीं पहनती है, तब मर ही ना चुके हो, मर चुके इसके लिए। उसके लिए मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए वो जिंदा है। केवल बोलने से हो जाए? मैं तो पूरी दुनिया के लिए जिंदा हूँ, मैं तो यहाँ खड़ी हुई हूँ। काजल कौन है? मैं नहीं जानता। अरे भैया इनकी गर्लफ्रेंड है ना, झूठ बोल रही है, मतलब दिन में 36,000 लड़कियाँ घुमाते हैं अपने साथ। तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है इंसान है? बस मेरे को इतना कुछ पता नहीं था। पैसों से लिए रह रहे होगा? हाँ ये पैसे मेरे पापा वो है ना, इसलिए ये मेरे मतलब पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। इससे इतना प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू पैसों से प्यार करता है। बेच करके जो है इससे शादी करा था, सारी प्रॉपर्टी बेच दिया मैंने इसके शादी में भाई। अब सोच सकता है तू जो मैं इससे कितना प्यार करता हूँ? तो तू झूठ बोल रही है? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? यहाँ आपने उस दिन खुद देखा था ना? उस काजल से तुम्हारा कुछ संपर्क है? मैं उसको जानती हूँ, मुझे किसी ने बताया है इसके बारे में कि वो प्रेग्नेंट है। और बोलती है कि इन्हीं का बच्चा है? हाँ वो अपने हस्बैंड भी बताती है। वो भी तो बदनाम कर सकती है ना इनको? क्यों बदनाम कर सकती है? मैंने किसी और लड़की के बात में आके तुमने पति पर शक कर रही है ना? मेरे को तो विश्वास ही खत्म हो गया जो उस दिन यहाँ पर सीन चलते हुए देखा था। तुमको पता है क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? कभी इसके इनके बारे में क्यों कर रहे थे? क्या करती हो घर में? कुछ नहीं करती। तुम्हारे पापा ये ऑफिसर है, तुम नहीं हो। पति का इज्जत किया करो, घर में नौकर बना के तुम रखती हो इनको। सारा काम मतलब वही करते हैं, हम खाली बैठे रहते हैं। पत्नी का क्या धर्म होता है? उनसे पूछो तो घर में क्या काम करते हैं। पत्नी धर्म तुम आज तक निभाई हो अपने पति के? क्यों नहीं निभाया? आप देखने आते हो क्या घर में? एक बात बता, अरे आप देखने आते हो क्या घर में? तो ये इंसान झूठ बोलता है। क्यों झूठी बोल रहा है? तुम भी तो झूठ बोल सकती हो ना, वो काजल ओजल कुछ नहीं है ना, तुम झूठ बोल रही हो ना। तुम्हें पता है जब ये इंसान झूठ बोल सकता, तुम नहीं झूठ बोल सकती हो? झूठ कोई भी बोल सकता है, बट मैं नहीं बोल रही हूँ। कोई सीमा नहीं होता है। पर मैं नहीं बोल रही हूँ झूठ, मैं सच बोल रही हूँ। उस दिन आपने खुद मेरे को इनकी हरकत दिखाई थी ना यहाँ पर,
याद है कुछ? इसका रीजन बता रहे ना क्यों कर देते, क्योंकि तुम इनको घर में एक नौकर नौकर जैसा रखती थी ना, नौकरों से बदतर हाल बना के रख रखी। जब घर में किसी इंसान को प्यार नहीं मिलेगा तो बाहर मुंह मारेगा ही। अबे यार क्या करती थी, ये तो पूछो उससे, मुझ पे चिल्लाओ मत। पहली बात क्या करती थी घर में? घर में लड़ती है मेरे से, जो काम करो। कौन नहीं लड़ता, सब लड़ते हैं। कौन नहीं लड़ता? बना के नहीं ये दे सकती है, ये देते हो बना के। सबकी बेटी है, इनकी मम्मी को बुला के पूछ लो उन्हें कौन सेवा करता है कौन नहीं करता। इनकी मम्मी को बुला के पूछ लो। रहती है जो मैं आई एस ऑफिसर की बेटी हूँ। हूँ तो हूँ, इसमें कोई बोलने की बात है? एक काजल कौन है? पहले काजल से तुम मिला हमको? इनकी वाइफ है। अच्छा, इनकी वाइफ है। तुम हाँ? कौन हो? मैं थी, अब नहीं हूँ। अच्छा, तुम थी अब नहीं हो? हाँ, मेरे को अब तलाक चाहिए। अगर काजल अगर बोल ये बात सच हुई तो तब इनको तुम तलाक देना आराम से। हाँ? हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? लेकिन पहले काजल से तुम बात करा। हाँ, ठीक है। काजल कौन है? पहले ले चलो काजल के पास, चलो अभी चलो।